बाहर इंतजार कीजिए। रेंची, क्या हो रहा है वहां? अरे नियमन के बेटे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ धमाकेदार देखना चाहते हैं जो कि एक्शन से भरपूर हो, एडवेंचर से भरपूर हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए। और आज मैं आपके लिए लेकर आया दुनिया की सबसे बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं द लास्ट स्टैंड। यह एक हाई आर्किटेक्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक पूर्व पुलिस अधिकारी को दिखाया गया है जो एक छोटे से शहर में रहता है। जब एक खतरनाक अपराधी अपने गैंग के साथ इस शहर में आता है तो वह अधिकारी अपने पुराने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अपराधियों से भिड़ जाता है। धमाकेदार स्टंट और एक्शन सीन के साथ यह फिल्म आपको एक अद्भुत अनुभव देती है। बात करते हैं अपनी अगली फिल्म की, रो एजेंट। यह फिल्म एक सीक्रेट एजेंट के ऊपर आधारित है जिसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। उसे दुश्मनों के एक मजबूत नेटवर्क को ध्वस्त करना है, लेकिन इस मिशन के दौरान उसे कई चुनौतियों का और विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। बेहतरीन फाइट सीन और ट्विस्ट के साथ यह फिल्म आपको लास्ट तक बांधे रखेगी। बात करते हैं अपनी अगली फिल्म की, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान कभी मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है? और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारी ये मूवी। बेसिकली इसमें हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है, और एक फीमेल वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई होता है, और वो एक ऐसा सीरम तैयार कर लेते हैं जिसकी वजह से किसी भी मृत इंसान को वापस जीवित करा जा सकता है। हालांकि जब एक दुर्घटना में जोई की मौत हो जाती है तो फ्रैंक उस पर उस सीरम का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर हो जाती है एक बहुत ही खतरनाक गड़बड़ जिसके बाद सब चीजें बदलने लगती है। आखिर ऐसा क्या होने वाला था, जानने के देखिए 2015 में रिलीज हुई हॉरर साइंस फिक्शन मूवी द लाजरस इफेक्ट। बात करते हैं अपनी अगली मूवी की, अगर आपको घूमने फिरने का शौक है और आपको ऐसी जगह जाने का शौक है जहाँ पर कोई ना हो, जो कि काफी ज्यादा हिस्टोरिकल हो और काफी ज्यादा पौराणिक हो, जहाँ पर पैरानोमिकल एक्टिविटी भी हो, अगर आपको ऐसी जगह देखने का शौक है तो ये मूवी आप ही के लिए। बेसिकली इसमें हमें एक युवा जोड़े को दिखाया जाता है जो कि दूर दराज एक शहर में घूमने के लिए जाता है, लेकिन इसी बीच रात में उनकी कार हो जाती है खराब और उनको मदद के लिए कोई भी नहीं मिलता। और फिर इस दौरान ये युवा जोड़ा एक दूर दराज कैबिन में रुक जाते हैं और रात के समय इनके साथ हो जाती है एक बहुत बड़ी दुर्घटना, जब इन लोग नकाब में इनके साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं और बिना किसी उद्देश्य को इनके मारने लगते हैं। आखिर इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानने का देखें 2024 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी द स्ट्रेंजर चैप्टर 1। बात करते हैं अपनी अगली फिल्म की, अक्सर आपने सुना होगा कि युद्ध के दौरान अक्सर औरतें और बच्चों आदमियों को किडनैप किया जाता है और उनके साथ शारीरिक और मानसिक यौन यातनाएं दी जाती है और उनको मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि वे सब चीजें भूलने लगते हैं। आप सोच भी नहीं, उनको इतना दर्द दिया जाता है कि वे मौत के लिए भीख मांगने लगते हैं। और इसी चीज के ऊपर आधारित है हमारी सालो और द 120 डेज ऑफ सोडोम। इस मूवी में आप देखने वाले हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली के शहर में, जहाँ पर फारसीवादी लुटेरे द्वारा नौ युवा लड़की और लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है और उनको 120 दिन तक शारीरिक और मानसिक यातना दी जाती है, जिसके अंदर भी सारी प्रक्रिया शामिल होती है जो आप किसी भी इंसान को दर्दनाक तरीके से मारने के लिए सोच सकते हैं। और जब आप इस मूवी को देखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा इस दुनिया की असली सच्चाई।